डिंपल और अपर्णा। किस मुद्दे पर भिड़ गई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी की देवरानी और जेठानी अक्सर चर्चाओं में रहती है। दोनों में बहुत सी समानता है, शांत स्वभाव, सादगी, अपना हटके अंदाज। लेकिन रिश्ते से एक ही परिवार की होने वाली डिंपल और अपर्णा अलग अलग पार्टी में है, वो भी उन पार्टी में है जो यूपी के आपस में राजनीतिक दुश्मन है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इसलिए दोनों के अलग अलग विचार है। ऐसे में अब दोनों एक मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गई है और ये बात यूपी की जनता के लिए बहुत मजेदार है। दरअसल नई संसद के कामकाज के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और संसद में पेश हुए इस महिला बिल को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के परिवार की दो बहुओं में मतभेद देखने को मिला है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी के बेटे अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव आमने सामने है। डिंपल यादव ने उठाए सवाल। महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी इस बिल को संसद में ला सकती थी, ठीक चुनाव से पहले इस बिल को लाया गया है। उनका पूरा बयान सुनिए। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट बिल लाना था तो सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और मुझे और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए और सरकार की जो मंशा है जो इस समय वो लेके आई है बिल क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। तो यहाँ सीधे तौर पर डिंपल यादव ने इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं और आरक्षण के तहत ओबीसी महिला को इसमें शामिल करने की मांग की है। अपर्णा ने किया समर्थन। अब जहां एक तरफ डिंपल यादव ने सवाल उठाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने संसद में पेश हुए महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इस बिल के संसद में पेश होने से देश की हर महिला बहुत खुश है। मैं समझती हूँ आज भारतवर्ष में प्रत्येक महिला बहुत खुश है इस बिल के फ्लोर होने से पार्लियामेंट में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी है, वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी वर्ग की हो, वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी भी धर्म विशेष की हो, मगर अगर वो महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा। बहुत अच्छी बात इस बिल की ये है जो आ रही है कि भाई लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, इन सभी जगह में और पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये आरक्षण लागू होगा। तो मुझे लगता है कि जब देश के संविधान जहां बनता है और जहां पर लॉ पास होते हैं उस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया है और आगामी 2024 में मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा क्योंकि ये बिल बहुत समय से पेंडिंग था और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हम सभी कार्यकर्ता देते हैं और आज मैं आपके एनआई के माध्यम से ये भी बोलूँगी कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी की देवरानी जिठानी आमने सामने है। इसको देखकर यूपी की जनता खूब इंजॉय कर रही है क्योंकि हमेशा से इनको जनता पसंद भी करती है और इनके बयान का इंतजार भी करती है। अब बात की जाए महिला आरक्षण बिल की तो जानकारी के मुताबिक इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल अब जिस तरह से यूपी की देवरानी जिठानी एक मुद्दे पर अलग अलग है, आमने सामने है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।